Hello, students. Good morning. Welcome to SI Sonic classes. Students, we have completed chapter 3, Toothpaste and a Tube, of our English literature book as we said And students, today we are going to start our new chapter. And the number of this new chapter is chapter 4. And the name of this new chapter is The Elephant's Nose. Okay, it's a name of chapter 4. Okay, so students, uh, today our topics are summary of first to fourth stanzas of this chapter 4, The Elephant's Nose, and uh, our second topic is uh, 15 hard words of this chapter for the elephant's nose. So, since today, we will firstly read uh, first to fourth stanzas of this chapter 4 and explain summary of first to fourth stanzas, okay? And after it, uh, we will read and note down hard words first to 15 of this chapter 4, the elephant's nose, in our fair English literature notebook, okay? So, students, special specialties in your class and listen to my words clearly. Let's see uh, the summary of uh, uh, this chapter first to fourth stanzas, okay? तो स्ट्रेंड्स चैप्टर नेम इज द एलिफेंट्स नोस ओके एलिफेंट मीनस हाथी एंड ए ऑफ़ एस है ना इट्स मीन स्ट्रेंड जब भी किसी वर्ड के हाथ पे uh, कॉमल के बाद आफ्टर इट एस सो तो उसे बोलते हैं ऑफ़ एस इट्स मीन होते काकी के ओके okay? रिलेशन को शो करता है नोज मींस नाक दी एलिफेंट्स नोज इट्स मीन हाथी की नाक ओके एनिमल्स एंड प्लांट्स से रिलेटेड आपका ये चैप्टर है एंड चैप्टर का नेम है द एलीफेंट्स नोज इट्स मीन हाथी की नाक ओके इन दिस चैप्टर फोर वी विल टॉक अबाउट एलिफेंट्स नोज ओके सो लेट सी लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर ओके रीड अ स्टोरी अबाउट एन एलिफेंट स्टाइल्ड एंड हिज नोज़ ओके तो रीड मिस पढ़िए आ स्टोरी मिस एक कहानी अबाउट मिस बारे में एंड मिस एक एलिफेंट स्टाइल्ड मिस हाथी के बच्चे ओके okay. हाथी का बच्चा एंड मिस और हिज मिस उसकी नोज मिस नाक रीड अ स्टोरी अबाउट एन एलिफेंट स्टाइल्ड एंड हिज नोस इट्स मीन्स कि एक हाथी के बच्चे और उसकी नाक के बारे में एक कहानी को पढ़िए ओके सो लेट्स रीड दिस स्टोरी अबाउट एन एलिफेंट चाइल्ड एंड नोज ओके देयर वॉज अ टाइम वेन द एलिफेंट्स नोज वाज नो बिगर्ट दैन अबूट दैट ही कुड रिगल्ट फ्रॉम साइड टू साइड ओके देयर वॉज अ टाइम ओके तो स्टूडेंट्स ये देयर वॉज अ टाइम मीन उस समय की बात है ये okay? ओके एक समय था द एलिफेंट्स नोस हाथी की नाक ओके वाज इट्स अ पास्ट कॉन्टीन्यूअस टैंड इन सिग्नल फॉर्म हेल्पिंग वर्क नो बीकर मीन बड़ी नहीं थी देन ओके एक बूट से ज्यादा बड़ी नहीं थी बी डब्लू टी बूट मीनस इस सो सर सू बोल सकते ओके बोल सकते ओके दैट ही को डू रिगल फ्रॉम साइड टू साइड ओके हेयर द मीन ऑफ रिगल स्ट्रेंट डब्ल्यू आर आई डबल डी एल एंड द मीन ऑफ रिगल इज ट्विस्ट एंड टर्न योर बॉडी क्यूकली ओके इट्स मीन होता है कि अपनी बॉडी को ट्विस्ट मीन स्ट्रेंट हेयर द मीन ऑफ ट्विस्ट डेट वी कैन टू से मोड़ना ओके एंड टर्न मीस घुमाना ओके तो इट्स मीन हो गया ट्विस्ट मीन होता है मोड़ना एंड टर्न मीन घुमाना एंड रिगल मीन स्ट्रेंट होता है अपनी बॉडी को मोड़ना और घुमाना ओके बहुत ही जल्दी से है ना होता है जल्दी से एंड इट्स एन एक adverb है तो द मीन ऑफ रिगल इज जस्ट एंड टर्न योर बॉडी क्योंकि इट्स मीन अपनी बॉडी को जल्दी से मोड़ना और घुमाना ओके okay. तो स्ट्रेंड्स देर वाज अ टाइम वेन द एलिफेंट स्नोज वाज बिगर दैन दैट इज कुड वीगल फ्रॉम साइड टू साइड इट्स मीन कि एक समय था जब हाथी की नाक एक बूट से बड़ी नहीं होती थी जिसे वह एक तरफ से दूसरी तरफ तक घुमा सकते थे ओके okay. तो एक टाइम था कि जो आज जो एलिफेंट्स की नोज बहुत ही लॉन्ग होती है लेकिन उस पहले की बात है कि उस टाइम एलिफेंट्स की नोज हाथी की नाक इतनी ज़्यादा लॉन्ग नहीं थी ओके okay. वो एक बूट से ज़्यादा बड़ी नहीं हुआ करती थी ओके okay. वो इतनी बड़ी नहीं थी जैसे आज होती है एलिफेंट्स की नोज बिग होती है ना लॉन्ग होती है ना तो एलिफेंट्स की नोज़ जो लॉन्ग होती पहले ऐसे नहीं थी ओके okay. इस स्टोरी के टाइम में पहले ऐसे नहीं थी स्टोरी बताया जा रहा है और वो इतनी बड़ी नहीं थी इतनी लंबी नहीं थी कि उसे एक तरह एक तरह से इतनी एक ओर से दूसरी को ले जाया जा सके ओके okay? एक तरफ से दूसरी ओर वो घुमा सके ओके बट अ क्यूरियस एलिफेंट स्टाइल चेंज ऑल दैट ओके बट मीन्स लेकिन एक मीन्स एक ओके क्यूरियस सी यू आर आई ओ यू एस ये द मीन ऑफ क्यूरियस दट समन हु वॉन्ट्स टू नो अबाउट थिंग्स ओके someone means मीन्स कोई who means जो wants means चाहता है टू नो मीस जाना about अबाउट थिंग्स about अबाउट मीज बारे में थिंग्स means वस्तु तो, के okay. someone who हु to टू नो अबाउट थिंग्स ओके कोई जो uh, कोई uh, कोई व्यक्ति जो किसी के बारे में जानना चाहता हो ओके okay. तो कोई जो किसी के बारे में जानना चाहता हो उसे बोलते हैं क्यूरियस ओके सी यू आर आई ओ यूस क्यूरियस मींस होता है जिज्ञासु ओके okay. someone who हु to टू नो अबाउट थिंग्स इट्स मीन कोई uh, कोई किसी वस्तु के बारे में कोई किसी चीज़ के बारे में अगर जानना चाहता है ना तो उसे बोलते क्यूरियस इस इट मीन होता है जिज्ञासा जैसे कुछ पर्सन होते हैं ना उनको अगर मतलब जानने के लिए उनके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हो कोई भी बात एक वर्ड बता दो एक वर्ड का आप सिर्फ एक वर्ड आप स्पीक करो फिर उसके बारे में आप उससे क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जाएंगे कि ये क्या होता है है ना तो वैसे ही उसे बोलते क्यूरियस मीन जिज्ञासु जो जानने की इच्छा रखता है ओके तो उसे बोलते हैं जिज्ञासु तो बट मीन्स लेकिन ए मीन्स ए क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु जो मतलब जानना चाहता है उसे कुछ भी बोल दो कोई भी अगर बात कर रहे हो ना कोई किसी भी टॉपिक पे तो अगर उसने कोई बात कैच कर ली कि हाँ ये वर्ड है तो वो उसके बारे में पूछेगा कि ये क्या होता है ये क्या होता है मतलब उसके माइंड में क्वेश्चन बहुत सारे होते ओके क्वेश्चन का पूरा ग्रुप होता है ओके तो एलिफेंट स्टाइल मीन्स हाथी का बच्चा चेंज्ड मीन्स चेंज करके रख दिया परिवर्तन करके रख दिया ऑल दैट मीन्स ये सभी ओके okay, सभी चीज़ को ऑल सॉरी बट अ क्यूरियस एलिफेंट स्टाइल चेंज्ड ऑल दैट इट्स मीन लेकिन एक जिज्ञासु हाथी के बच्चे ने सब कुछ बदल के रख दिया ओके okay, तो पहले एक पहले टाइम की बात है इट्स मीन एक समय था जब हाथी की नाक एक बूट से ज़्यादा बड़ी नहीं हुआ करती थी बट uh, वह इतनी बड़ी नहीं होती थी उनकी uh, जो नोज़ थी थी लॉन्ग नहीं होती थी कि वो एक तरफ से दूसरी तरफ घुमा सकते थे लेकिन एक जिज्ञासु हाथी ने सॉरी एक जिज्ञासु हाथी के बच्चे ने ओके क्यूरियस मिस जिज्ञ्यासु ओके एक जिज्ञासु हाथी के बच्चे ने सब कुछ बदल के रख दिया ओके सो लेट्स सी दैट हाउ इट डज क्यूरियस एलिफेंट्स चेंज चेंज ऑल डैट की कैसे इसने सब कुछ बदल के रख दिया ओके लेट्स सी नेक्स्ट स्टैंडर्ड द एलिफेंट चाइल्ड वॉज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन ओके दो हाथी का बच्चा वाज मीन्स था ऑलवेज मीन्स हमेशा आस्किंग मीस पूछता था क्वेश्चंस मीस प्रश्नों को ओके द एलिफेंट चाइल्ड वाज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन इट्स मीन हाथी का बच्चा हमेशा प्रश्न पूछता रहता था ओके हमेशा क्वेश्चन किया करता रहता था ओके बट नो वन न्यू डी आंसर्स टू हिज क्वेश्चन बट मीन्स लेकिन नो वन मीन्स कोई भी नहीं नी मिस जानता था कि एंड ई डब्ल्यू नी इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ नो नो की सेकेंड फॉर्म होती नी नो मीस जानना नी मिस जानता था ओके द आंसर्स मीन्स उत्तरों को टू हिज मीन्स उसके क्वेश्चन मीस प्रश्नों को बट नो वन नी द आंसर्स टू हिज क्वेश्चन लेकिन कोई भी इसके प्रश्नों के उत्तर को नहीं जानता था क्योंकि okay, इसके क्वेश्चन थोड़े स्टैंडर्ड होते होंगे है ना अजीब से वो क्वेश्चन करता होगा इसीलिए कोई भी उसके क्वेश्चन के आंसर को नहीं जानता था एंड देन वन डे ही आज द क्वेश्चन डाट फ्राइट ऑल द एनिमल्स एंड मीस और दैन मीन्स द वन डे मिस एक दिन ही मिस उसने आस्ट मिस पूछा ओके आज इज द आस्ट ए एस के ईडी सेकेंड फॉर्म होती है आस्ट ओके अ क्वेश्चन मिस एक प्रश्न दैट मीन जो फ्राइटेंड एफ आर आई जी एच टी ई एन ई डी फ्राइटेंड ओके फ्राइटेंड द मीन ऑफ फ्राइटेंड दैट फीलिंग फियर ओके फीलिंग फियर इट्स मीन ओके डकेर मीस एफ ए आर फियर मिस होता है डरना ओके okay. तो एक दिन क्या होता है कि एंड बट नो वन न्यू द आंसर टू हीस क्वेश्चन जो क्वेश्चन करता था उसकी कोई भी आंसर नहीं जानता था ओके एंड देन वन डे ही आज द क्वेश्चन दैट फ्राइट इन ऑल द एनिमल्स ओके तो और तब एक दिन उसने एक प्रश्न किया जिससे सभी जानवर जो थे सभी एनिमल्स थे वो डर गए ओके okay? उसके क्वेश्चन ने सभी जानवरों को डरा के रख दिया फ्राइटिंग एफ आर आई जी एस टी ई एन ई डी फ्राइटिंग मीनस होता है फीलिंग फेयर इट्स मीन डर का एहसास करना डर का अनुभव करना ओके okay. तो वो बहुत क्वेश्चंस करता था बट कोई भी उसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं जानता था और एक दिन उसने ऐसा क्वेश्चन किया ना कि तो उसने सारे एनिमल्स को फ्राइटेंड कर दिया सारे एनिमल्स को डरा के रख दिया ओके सो लेट्स वट्स द क्वेश्चन विच दिस क्यूरियस एलिफेंट्स चाइल्ड आज टू एनिमल्स ओके ऐसा क्या क्वेश्चन था जो ये क्यूरियस एलिफेंट चाइल्ड ने आ, जो जिज्ञासु हाथी के बच्चे ने पूछा और सब लोग डर गए ओके okay, तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन था सिलेक्सी वॉट डज द ट्रू कूड आई है डिनर ही आज तो स्टूडेंट्स ये जो क्यूरियस एलिफेंट्स का चाइल्ड था उसका क्वेश्चन क्या था जिसने सबको डरा दिया था ओके एंड हिज क्वेश्चन वाज

उसे बोलते हैं डिनर रात का भोजन ओके okay. तो व्हाट डज अ क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर ही आस्क्ड ही मींस उसने आस्क्ड मींस पूछा ओके okay. तो उसने क्या पूछा व्हाट डाज अ क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर इट्स मीन उसने क्वेश्चन किया कि uh, मगरमच्छ के पास रात के खाने के लिए क्या है ओके okay. मगरमच्छ के पास uh, रात के खाने के लिए क्या है ओके okay. तो स्ट्रेंड्स लेट्स सी नेक्स्ट टाइम जो सो ये जो है ना एस एच यू एस एट एच तो इसका मीन्स होता है ऐसे करके सेड ओवर द एनिमल्स नो ओके तो ट्रेंड से इस ये जो वर्ड है एसेट यू एसेट इट्स मीन होता है ऐसे करके बोलते हैं ना इट्स मीन होता है चुप कराना ओके okay? शांत कराना किसी किसी को बोलने से रोकना ओके okay? उसे तो चुप रहने के लिए बोला जैसे कोई जैसे हम कुछ बात करते हैं और आ, कोई जैसे सपोज दैट आप किसी अपने फ्रेंड्स या पेरेंट्स से बात कर रहे होके okay? और वो नहीं वो आपकी बात वो नहीं चाहते कि आप वो बात बोलो या Uh, वो नहीं चाहते कि आपकी बात कोई और सुने ओके okay? तो वो क्या बोलते हैं ऐसे करके माउथ uh, पे माउथ पे फिंगर कैसे बोलते हैं ना ऐसे करके करते ना कि हाँ शांत रहो तो एस एच यू एस एच एच ये एक साउंड होता है ओके okay? और कैसे साउंड होता है ऐसे करके साउंड होता है इस मीन होता है कि चुप रहने को बोलना ओके इट्स मीन कोई अगर कुछ बोल रहा है तो उसे शांत कराना ओके okay? तो सेट ऑल द एनिमल्स तो जो एनिमल्स थे सारे जानवर थे उन्होंने उसे क्या बोला उसे क्या कहा उसे ऐसे सुस्का साउंड किया ओके ऐसे किया उसे मोटिव फिंगर रख के अपने हर से बोला ऐसे करके मतलब जैसे आप लोग शोर करते हैं ना क्लास में तो टीचर यही करती है ना कि हाँ मोटिव फिंगर रखे बोलती है शांत रहो है ना तो इसका साउंड का मीन होता है शांत रहना चुप रहना ओके तो नो वन वांटेड टू एवन टॉक अबाउट इट ओके तो कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता था ओके तो एनिमल्स ने क्या कहा उसे सुस्का साउंड दिया ओके कि शांत रहो चुप रहो ओके बोला कुछ नहीं एक साउंड होता है ओके बट ही वुड नॉट सुस ओके एसेट यू एसेट लेकिन वह शांत नहीं हुआ ओके लेकिन वह चुप नहीं हुआ क्योंकि क्यों चुप रहेगा क्योंकि उसके माइंड में तो क्वेश्चन चले हैं ना वो तो बहुत ही डिस्टर्ब है कि मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर चाहिए ओके और कोई भी अगर क्वेश्चन उसके माइंड में है ना ये जो आ, आ, क्यूरियस एलिफेंट्स का बेबी है और कोई भी माइंड में उसके क्वेश्चन है तो जैसे स्टूडेंट्स हमारी भी कोई माइंड में कोई क्वेश्चन होता है तो हम तब तक परेशान रहते हैं जब तक कि तो हम उस क्वेश्चन का आंसर को, को फाइंड आउट नहीं कर लेते है ना हमें लगता है कि हाँ कोई भी हमें क्वेश्चन बता दे ओके तो वैसे ही क्योंकि ये तो क्यूरियस है ये तो जिज्ञासु है ना तो ये बोल रहा था बस मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि मगरमच्छ के पास रोकोडाल के पास आ, उसके डिनर के लिए क्या है उसके पास रात के खाने के लिए मगरमच्छ के पास क्या है है ना तो वो फिर भी सब सारे एनिमल्स ने उसे शांत कराया कि नहीं इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है शांत रहो है ना लेकिन फिर भी वो शांत नहीं होता है ओके okay, फिर क्या होता है बाई एंड बाई ही मेट द कोलो कोलो बर्ड ओके okay, तो स्ट्रेंड्स वो क्या करते हैं बाई एंड बाई मीन्स होता है लेटर ओके okay, इट्स मीन बाद में ओके okay, तो बाई एंड बाई का मीन लेटर भी ले सकते हैं एंड हेयर द मीन्स बाई एंड बाई डेट वो वन बाई वन सभी एनिमल्स के पास जाते हैं जैसे लॉन के पास गया बी के पास गया डी के पास गया ओके तो मंकी के पास गया सबके पास जाते हैं वन बाई वन और सबसे ये क्वेश्चन करता है ओके यही क्वेश्चन सेम की uh, क्रोकोडाइल के पास डिनर की ये क्या है है ना यही क्वेश्चन करता है लेकिन कोई उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है तो बाई एंड बाई इत में लेटर बाद में वो किसके पास जाते हैं वो एक कोलो कोलो बर्ड के पास जाते हैं ओके वी कैन सी इन दिस पिक्चर इट्स अ Uh, जो आपका क्यूरली uh, एलिफेंट्स वे भी है ना ये आप क्यूलिया एलिफेंट एंड वी कैन सी इन दिस पिक्चर दैट एलिफेंट्स नोज इज़ स्मॉल ओके इसकी जो नोज है वो स्मॉल है ओके इट्स नॉट बिगर देन अ बूट ये एक बूट से ज़्यादा बड़ी नहीं है क्लियर एंड वी कैन सी इन दिस पिक्चर दैट इट्स अ कोलो कोलो बर्ड ये जो रेड कलर का ना ये कोलो कोलो बर्ड ओके ब्यूटीफुल से लग रहा है यही है कोलो कोलो बर्ड जो ट्री पे बैठा है क्या तो अब बाई एंड बाई ऐसे वो लेटर करके इट्स मीन बाद में वो वन बाई वन सभी एनिमल्स के पास जाता है और लास्ट में वो किसके पास जाता है कोलो कोलो बर्ड के पास जाता है सी टोल्ड हिम सी टोल्ड हीम सॉरी तो ये जो कोलो कोलो बर्ड होती है ना तो ये उससे बोलती है टोल्ड इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ टेल ओके तो सी टोल्ड हिम उसने उससे कहा Go to the grey green grassy Limpopo River and you will get your answer. Okay तो ये कोलो कोले se kya kehti hai हैं गोमी चाहिए. Okay to the grey. Grey means grey. Green means hara Grassy G R E S Y grassy. Here yeah, the mean of grassy that covered in a lot of oil. Okay. It's mean तेल से बहुत सारे तेल से ढका हुआ. Okay उसे बोलते हैं covered in a lot of oil. It's mean होता है ग्रीसी means चिकनी. Okay स्लिप करने वाली चिकनी तो लिम्पोपो रिवर इट्स अ लिम्पोपो इट्स अ नेम ऑफ अ रिवर एक रिवर का नेम है लिम्पोपो ओके रिवर मीन्स नदी एंड मीन्स और यू मीस आप विल मिस, विल इट्स अ फ्यूचर टेंस गेट मीन्स प्राप्त कर लें योर मीन्स अपना आंसर मीन्स उत्तर ओके अब इस ट्रेंड से जो कोलो कोलो बर्ड के पास जाते हैं ओके तो कोलो कोलो बर्ड इनसे क्या बोलती है कोलो कोलो बर्ड बोलती है गो टू द ग्रे ग्रीन ग्रेसिंग लिम्पोपो रिवर एंड यू विल गेट योर आंसर ओके तो कोलो कोलो बर्ड बोलती है कि ग्रे हरी चिकनी लिम्पोपो रिवर पर जाओ और आपको अपना आंसर आपको अपना उत्तर, उत्तर मिल जाएगा ओके okay. तो स्टूडेंट्स लेट्स सी ई वॉट हैपेन वेन डिज क्यूली एलिफेंट्स चाइल्ड गो टू द लिम्पोपो रिवर ओके सो ऑफ ही वेंट टू द लिम्पोपो रिवर एट द एज ऑफ द रिवर ही साई लॉग ऑफ वुड सॉरी वुड डब्ल्यू डब्लू डी ऊट ओके बट देन इट विंकेड वन आई ओके सो ऑफ स्टैंड सो इसलिए ओके ही मीन्स वै इवेंट मीस गया वेंट इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ गो गो की सेकेंड फॉर्म ऑफ द इवेंट गो मीन्स जाना वेंट मीन्स गया टू द लिम्पोपो रिवर इट्स मीन ये अब लिम्पोपुर रिवर पर गया सो ऑफ ही वेंट टू द लिम्पोपो रिवर ओके इसलिए वह लिम्पोपो रिवर पर गया एट द एज ऑफ द रिवर एट द एज एट द एज मीन्स होता है किनारे पर एज किनारा ओके तो एट द एज ऑफ यूर इट्स मीन नदी के किनारे पर हीस उसने सामिज देखा सा इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ सी सी की सेकेंड फॉर्म होती है सा सी मीस देखना सामिज देखा ओके अ लॉग ऑफ ऊट अ लॉग ऑफ ऊट भी सिस होता है कि बोल सकते हैं कि लकड़ी का मोटा लट्ठा ओके अ थिक स्टिक ऊट वी कॉल अ लॉग ऑफ ऊट ओके लकड़ी का मोटा लट्ठा उसे बोलते हैं अ लॉग ऑफ ऊट ओके बट दैन इट अ विंग डू वन आई ओके तो सो ऑफ ही वेंट टू द लिम्पोपो रिवर इसलिए वो कहाँ पर जाता है लिम्पोपो रिवर में जाता है क्योंकि कोलो कोलो वर कहा था उसे जाने के लिए और वो तो बहुत एक्साइटेड था न अपने क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए है ना कि क्रोकोडाइल के पास डिनर के लिए क्या है है ना तो एडिएज ऑफ द रिवर हीस आई लॉग ऑफ उड तो वो नदी के किनारे पर तो वो जब लिम्बोपोन रिवर पे गया ना लिम्पोपो नदी के पास गया तो उसने नदी के किनारे पर आइडियज ऑफ दी रिवर ओके उस नदी के किनारे पर उसने एक एक बहुत ही थिक स्टिक देखा एक मोटी लकड़ी का लट्ठा देखा ओके बट देन इट विंकेड वन आई ओके बट मींस लेकिन दैन मीन्स दफ़ इट ओके ये जो ये जो लॉग ऑफ वूड था ना लकड़ी का मोटा गट्ठा था लट्ठा था ना ओके जो एक बहुत ही थिक स्टिक टाइप की होती, म, आ, ल, होती है बहुत ही मोटी वुडन स्टिक होती है उसे बोलती है लकड़ी का लट्ठा ओके तो बट मीन्स लेकिन दैन मीन्स दफ़ ये जो हेयर द यूज़ इट फॉर आई लॉग ऑफ उट ओके विंग डब्ल्यू आई एंड के ई डी विंग ओके हेयर द मीन ऑफ विंग डैट क्लोज वन आई एंड ओपन इट अगैन क्यूकली इट्स मीन बोल सकते हैं कि uh, अपनी क्लोज्ड वन आई एक आँख को बंद करना एंड मीनस को ओपन इट मीनस खोलना ओके अगैन मीन्स दोबारा क्यूकली मीन्स जल्दी से ओके क्लोज्ड वन आई एंड ओपन इट अगैन क्यूकली वी कॉल विंगड इट्स मीन होता है uh, आँख को बंद करना और दोबारा उसे जल्दी से खोला उसे बोलते हैं विंग इट्स मीन आँख झपकाना ओके okay. तो बट दैन इट विंगड वन आई ओके लेकिन ये जो लॉग ऑफ वूड था ना लकड़ी का मोटा लट्ठा था ना इसने तो अपनी आई को विंग्ड किया इट्स मीन अपनी आँख को झपकाया एक आई को अपनी एक आई को इसने विंग्ड किया अपनी एक आँख को झपकाया ओके इट्स मीन इसने बहुत ही क्लोज क्लोज वन आई एंड ओपन इट आग क्योंकि इसने क्या किया जल्दी से अपनी आई आई को एक वन आई को अली क्लोज किया और फिर जल्दी से उसे ओपन कर दिया क्लियर तो फ्रेंड्स लेट्स ही फिर क्या होता है कि जब ये आ लॉग ऑफ़ ऊ ऊ अपनी आई को विंड कर रहा है ओके एक्सक्यूज़ मी ओके एंड बट हैव यू आवर सीन अ कोकोडाइल ओके क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो एलिफेंट्स का uh, चाइल्ड है वो बहुत ही क्यूली है ओके okay. बहुत ही जिज्ञासु है तो वो बस किसी भी तरह से अपनी क्वेश्चन का आंसर चाहता है ओके okay. बेचारा बहुत ट्रबल है बहुत परेशानी चाहता है कि बस मुझे अपनी क्वेश्चन का आंसर मिल जाए कि क्रोकोडाइल के पास रात के डिनर के लिए क्या है है ना तो एक्सक्यूज मी मिस क्षमा करें बट मिस लेकिन हैव यू अवर शीन अ क्रोकोडाइल क्या आपने आ, कभी मगरमच्छ को देखा है ओके okay. अब स्टूडेंट्स जब उसने पहले तो उस जब इम्पो रिवर पे गया था ना तो उसे लगा कि हाँ ये मतलब उसने एक लॉग ऑफ वुड देखा लकड़ी का मोटा लट्ठा देखा लेकिन जब उसने अपनी आई को विंगड किया उस लॉग ऑफ वुड ने लकड़ी के मोटे गट्ठे ने तो वो जान क्या कि हाँ ये नॉन लिविंग नहीं है लिविंग है ना ये कोई लिविंग थिंग्स है सजीव सजीव चीज़ है तो अब उसे क्वेश्चन कर एक्सक्यूज़ मी बट हैव यू आवाज़ इन अ क्रोकोडल क्षमा करिएगा लेकिन क्या आपने कभी एक मगरमच्छ को देखा है ओके आज द एलिफेंट चाइल्ड पॉलिटली ओके तो आज मीन्स पूछा एलिफेंट्स एलिफेंट चाइल्ड मीन्स हाथी के बच्चे ने ओके पॉलिटली पी ओ एल आई टी ई एल वाईर द मीन ऑफ पॉलिटली डेट नम्रतापूर्वक शिस्थापूर्वक बहुत ही प्यार से बहुत ही शांतिपूर्वक नम्रतापूर्वक उसने पूछा कि माफ़ कीजिएगा क्या आपने कभी मगरमंच को देखा है आई एम द क्रोकोडाइल ही सेट उसने कहा मैं क्रोकोडाइल हूँ मैं मगरमच्छ हूँ। स्टेंट्स जो उसने लिम्पोपो रिवर पे जो एट दी एज ऑफ द रिवर ओके okay, जो लिम्पोपो रिवर के किनारे पर उसने जो एक लॉग ऑफ वूड देखा था ना लकड़ी का मोटा लट्ठा देखा था ना वो कोई आ, वो आ लॉग ऑफ लूट आ लॉग ऑफ वूड नहीं था लकड़ी का मोटा लट्ठा नहीं था वो क्रोकोडाइल था ओके okay? तो वो कहता है कि आई एम द क्रोकोडाइल मैं एक मगरमच्छ uh, हूँ मैं एक क्रोकोडाइल हूँ कि एलिफेंट चाइल्ड ग्रू एक्साइटेड एंड नील्ड डाउन अब ये जो एलिफेंट का चाइल्ड है एलिफेंट का बच्चा है और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं एक्साइटेड एक्साइटेड मीन्स उत्तेजित होना उत्साहित होना ओके एंड मीन्स और नील्ड के एंड डब्ल ई एल ई डी नील्ड डी ओ डब्ल्यू नील डाउन मीन स्टेंट होता है गो डाउन ऑन द नीस इट्स मीन कि नील डाउन का स्टेंट मीन होता है कि घुटने टेक देना ओके इट्स मीन घुटनों के बल बैठ जाना उसे बोलते हैं नील डाउन ओके घुटनों के बल बैठ गया ओके तो द एलिफेंट्स आर ग्री एक्साइटेड एंड एक्साइट नील डाउन अब ये हाथी का बच्चा और भी ज़्यादा उत्साहित हो जाता है और वो घुटनों के बल बैठ जाता है अब वी घंटे से डैट घुटने टेक देता है ओके okay. अब वो घुटनों के बल बैठ गया ओके okay. क्योंकि वो जिसके लिए क्वेश्चन जिसके अबाउट में वो क्वेश्चन था उसके माइंड में जिसके वो आंसर चाहता था अब वो क्वेश्चन इसके सामने था ना क्रोकोडाइल के लिए वो क्वेश्चन था ना क्रोकोडाइल से रिलेटेड कि क्रोकोडाइल के पास डिनर के लिए क्या है ना क्रोकोडाइल के पास डिनर के लिए क्या है ये तो क्वेश्चन था ना अब क्रोकोडाइल चूँकि खुद इसके सामने है तो अब उसे अपना आंसर मिल सकता है ना तो वो क्या करता है तुरंत नील डाउन कर देता है अपनी घुटनी टेक देता है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है आई है बिन लुकिंग फॉर यू ऑल दिस डेज ही सैट ही सेट मीन्स उसने कहा ओके स्ट्रेंट हेयर वी यूज ही फॉर एलिफेंट सर ये जो हाथी का बच्चा है वो क्या बोल रहा है नील डाउन करके अपनी घुटनी टेक के बोल रहा है आई है बीन लुकिंग फॉर यू ऑल दिस डेज ओके आई है बीन लुकिंग इट्स मीन मैं आपको ढूंढ रहा हूँ फॉर यू ऑल दीज डेज ओके इट्स मीन मैं इन सभी दिनों में तो मैं इन सभी दिनों में आपको ढूंढ रहा हूँ ओके okay. तो अभी एलिफेंट्स का चाइल्ड हाथी का बच्चा कोकोडेल से कहता है मैं इन सभी दिनों में मतलब मैं अभी कुछ टाइम से कुछ दिनों से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ ओके एंड विल यू प्लीज टेल मी वॉट यू हैव फॉर डिनर ओके आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्लीज़ मिस कृपया टेल मी मुझे बताएँगे वॉट मीन्स क्या यू हैव मीस आपके पास फॉर डिनर मिस फॉर डिनर इट्स मीन रात के खाने के लिए विल यू प्लीज टेल मी वॉट यू हैव फॉर डिनर क्या आप प्लीज़ मुझे बताएंगे कि आपके पास रात के खाने के लिए क्या है ओके okay. तो स्ट्रेंट इसका क्वेश्चन भी कितना स्ट्रेंज है ना कि किूली तो है है ना ये जो आ, एलिफेंट्स का चाहिए ये क्यूरियस तो है है ना क्यूरियस तो है जिग्ञासू तो है बट इतना क्यूरियस है ना इतना जिक्स हुई है कि इसे ये नहीं समझ में आ रहा कि कोई इससे पहुंचा सकता है ओके okay. उसके माइंड में क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन की वजह से वो सारे मतलब कोई भी रिस्क लेने को तैयार है वो क्रोकोडाइल के पास पहुंच गया उससे क्वेश्चन कर रहा है ओके okay. तो स्ट्रेंड्स क्या होगा नेक्स्ट स्टोरी में ओके आगे की स्टोरी में क्या होगा वट वुड द कोकोडायल आंसर टू एलिफेंट चाइल्ड ओके वी वुड टू सी इन अवर नेक्स्ट वीडियो ओके तो अब ये क्या करेगा कोकोडायल एलिफेंट्स को क्या आंसर करेगा ये अपने नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्स ऑफ दिस स्टोरी यू हैव नो प्रॉब्लम Okay, now we are going to uh, read and uh, note down hard words of this chapter. So let's see. Your first number hard word is recall. Okay, W R I double Ali recall. Recall means strings. Here, the mean of recall that you uh, uh, close one eye and uh, open it quickly. Okay, and open it quickly again. Okay. तो इट क्लोज वन आई एंड ओपन इट अगेन क्योंकि इट्स मीन आपको झपकाना ओके अपनी आईज को अपनी आई को वन आई को क्लोज करके एक आँख को बंद करके उसे दोबारा जल्दी से ओपन करना उसे बोलते हैं व्हीकल डब्ल्यू आर आई डबल डी एल सेकंड वर्ड इज फ्राइटिंग एफ आर आई जी एस टी ई एन ई डी इट्स मीन डरे हुए योर थर्ड नंबर वर्ड इज क्रोकोडाइल सी आर ओ सी ओ डी आई ले ली क्रोको डाइल मीन मकर मच यो फोन नंबर हार्डवेड इज कोलो कोलो इट्स अ बर्ड ओके सी के ओ एलो के ओ एल ओ योर फाइव नंबर आठ वर्ड इज़ ग्रीसी जी आर ई एस ए ग्रीसी सी मीन्स यू कैंड डू सर दट इ हेयर द मीन ऑफ ग्रीस सी कवर्ड इन अ लॉट ऑफ ऑल ओके तो बहुत सारे तेल से ढका हुआ योर सिक्स नंबर हार्डवर्ड इज लिम पोपो एल आई एम पी ओ पी ओ इट्स अ रिवर निम योर सेवन नंबर हार्ड वर्ड इज पॉलिटली पी ओ एल आई टी ई एल वाई पॉलिथली में शिस्टापूर्वक या नम्रतापूर्वक बहुत ही प्यार से ओके तो एट नंबर हार्डवर्ड इज एक्साइटेड ई एक्स सी आई टी डी एक्साइटेड मीन्स उत्साहित होना उत्तेजित होना योर नाइन नंबर हार्डवर्ड इज़ नील डाउन के एंड डबल ई एल ई डी नील डाउन डी ओ डब्ल्यू एन इट्स मीन होता है घुटने टेक देना घुटनों के बल दैट जॉन योर टेन नंबर हार्डवर्ड इज़ हंचेस एच ए यू एंड सी एच ईज योर इलेवन नंबर हार्डवर्ड इज प्लेस एस पी एल एस एच ई डी और ट्वेल्व नंबर हार्डवर्ड इज स्क्रैचिंग एस टी आर ई टी सी एच आई एन डी एंड खरोच यो थर्टी नंबर हार्डवर्ड इज वेब डब्ल्यू आर ई डबल पी ई डी योर फोर्टीन नंबर हार्डवर्ड इज स्ट्रिंक एस एच आर आई एन के एंड योर फिफ्टी नंबर हार्डवर्ड इज ऑफ होली ओके ए डब्ल्यू एफ यू डबल एल वाई ऑफ होली ओके तो स्टूडेंट आई एव एक्सप्लेन यू ऑल हार्ड वर्ड्स ओके एंड आई होप यू मस्ट अंडस्टर सो स्टेंस स्टेज योर क्लास वर्क इज दट नो डाउट दिस हार्ड वर्ड्स ऑफ चैप्टर फॉर द एलिफेंट्स नोट्स इन योर फैर इंग्लिस लिटरेचर नोटबुक इट्स अ टू डेज क्लास वर्क एंड स्टूडेंट्स स्टूडेज यूर होम वर्क इज दैट रीड दिस चैप्टर फोर द एलिफेंट्स नोट्स फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्स ओके विच आई हैव डिस्क्राइब यू एंड ट्राई टू फाइंड आउट द सम डी ऑफ दिस स्टैंडर्स ऑफ दिस चैप्टर फॉर द एलिफेंट्स नोट्स इट्स योर टू डेज होम वर्क ओके स्टूडेंट आपका क्लास वर्क क्या है कि आपको ये हार्ड वर्ड्स फर्स्ट Uh, two fifteen okay. One to fifteen, of course, note down kind of as it is. Firstly, mention CW and after date, and then chapter name, chapter number, and chapter name, and then mention adding hard words. And last, uh, starting to write on these hard words, uh, and uh, la last, uh, mention uh, one to fifteen, uh, numbering and uh, draw a straight line between uh, uh, two times hard words, okay, and write on these hard words. Uh, टू टाइम्स नॉट ऑनली वंस टाइम क्लियर तो आपको, करनी है। अपनी आपका है। आपको ये हार्डवर्क एज इट इज नोट डाउन करनी अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक भी आपका क्लास वर्क है आपका होमवर्क स्टेड्स ये कि आपको ये फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड जितनी मैंने आपको रीड कराएँ और इसकी समय को एक्सप्लेन किया आपको ये रीड करना है फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड्स देयर वाज अ टाइम टू डीर okay, ओके और इसकी समरी को फाइंड आउट करने की कोशिश करना है जैसा कि मैंने आपको बताया है ओके okay, तो स्टेंट्स योर क्लास वर्न एंड होमवर्क इसके ना सो ऑल स्टेंट फर्स्टली कंप्लीट योर क्लास वर्क नो डाउं दीज हार्ड वर्ड्स ऑफ चैप्टर फोर डी एलिफेंट्स नोज इन योर फायर इंग्लिश लिटरेचर नोट एंड सेंड मोर वर्क यार थैंक यू